125 रुपये में ये अपना इन ड्राइव कहाँ जा रही है, T1 पब्लिक, और ड्राइवर जा भी रहे, कह रहे भाई यहाँ से खाली जाने से बेहतर कुछ तो मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस ड्यूटी ऑन कर लिया है और बताता चलूँ आपको, टाइम जो है 6:30 हो गया है। ये आप देख सकते हैं, 6:00 देखने आओ, टूटा फूटा मोबाइल है, 6:30 हो चुका है। और बता दूं अभी तक कोई ट्रिप जो है आई नहीं है मेरे पास, और फिलहाल देखते हैं कहाँ की ट्रिप मिलती है। एक्चुअली गाइस बता दूं आपको, आज मंडे का दिन है, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होगा, और खैर कल के जैसा, कल संडे था और मैं ये सोच रहा हूँ कल के जैसा काम ना आज हो जाए मेरा। कल मात्र 4 घंटे में मेरा 1700 रुपये काम हो गया था, जिसमें 320 रुपये की या 300 रुपये की मेरी CNG का खर्चा आया था। तो आज भी सोच रहा हूँ कि ऊपर वाले के रहमक्रम से कि आज भी ऐसे ही काम हो जाए और जल्दी मैं घर पहुँच जाऊँ, टाइम से नमाज़ वगैरह पढ़ूँ, अब ताड़ी वगैरह करूँ। तो भाई ऐसा है, कुछ भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बहुत बहुत उन लोगों का शुक्रिया। देखिए मैंने आपसे कुछ कह रखा है, अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर कार से रिलेटेड, यानी कार के अंदर कुछ ऐसे आप प्रॉब्लम लग रहा है कि जो लगता है आपको कि हाँ, अगर मैं मैसेज करता हूँ नियाज भाई को तो ये जो है रिप्लाई कर देंगे। एक्चुअली सुबह सुबह एक का भाई का मैसेज आया मेरे पास, नियाज भाई मेरी 2020 मॉडल गाड़ी डिजायर है और इसमें CNG ज़्यादा खा रही है। तो उनको मैंने भेज दिया, भाई ऐसा है कि आप जो है ना सबसे पहले CNG की टेस्टिंग करवाओ, अगर टेस्टिंग नहीं हुई है तो उसके बाद गाइस CNG वाले को दिखाओ, ठीक है, CNG वाले को दिखाओ कि RPM ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो वो कम कर देगा, और अगर कहीं से कोई मिसिंग होगी या कोई प्रॉब्लम होगा तो भी वो ठीक कर देगा। 200 से 300 रुपये खर्चा लेता है स्कैनिंग करने का। अगर RPM ज़्यादा है पेट्रोल का, CNG का, दोनों का RPM चेक करेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया। और भाई 2-3 भाइयों के कमेंट्स आए पड़े हैं सुबह सुबह, उनको भी देख लेते हैं। तो गाइज ऐसे कमेंट पड़े ना बहुत टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ड्यूटी ऑन का कर लिया था मैंने, अब देखता हूँ यहाँ से कहाँ की पिकअप मिलती है, और अगर मिलती है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। एक्चुअली बता दूँ, CNG मेरी गाड़ी में अभी ना 2.CNG है, इसका मतलब जो मेरी गाड़ी अभी जो है ना 150 किलोमीटर चलेगी, 150 किलोमीटर लगभग चलेगी, क्योंकि एक्चुअली गाड़ी भी चली है मेरी अभी 73 चली है ना, तो 200 किलोमीटर मान लो, 150 से 200 किलोमीटर मेरी गाड़ी अभी चलना बाकी है। तो ठीक है गाइस, वीडियो के अंदर बने रहिएगा, और जहाँ कहीं की ट्रिप आएगी मैं आपको, आप लोगों को अपडेट जरूर दूंगा। तो गाइस 7:15 होने वाले हैं। एक्चुअली मेरे एक राइड आई थी, वो थी 259 रुपये की, हौस खास की, जैतपुर से। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मन ही नहीं किया उसको एक्सेप्ट करने का। हौस खास जाओ, वहाँ जाकर जाम में फंस जाओ। वैसे सुबह छोड़ के फिर वहाँ से मैं निकल जाता। एक्चुअली होता क्या है, जो हौस खास का एरिया है ना, वहाँ सब AC वाले हैं, सब AC मांगेंगे, इसलिए गाइस मैंने जो है ना वो ट्रिप ही नहीं एक्सेप्ट किया। मुझे इतना पता था कि मैं उस ट्रिप को बिना AC कर के चल जाता, और वहाँ पहुँच के जो है फिर मुझे जो है राइड मिलती गुड़गांव की या फिर कहीं की, तो उसमें मुझे AC चलानी पड़ती। भाई गाड़ी में AC है नहीं, चलाऊंगा कहाँ से। तो फिलहाल में गाइस देखते हैं कहाँ की बसती है पिकअप, और नहीं बसती है तो फिर चलते हैं खाली खाली दूसरी जगह, और वहाँ अपडेट देते हैं आपको। एक्चुअली किराया का ना बहुत बुरा हाल चल रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं और लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बहुत बुरा हाल है किराए का, 50 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं 400 रुपये, 450 रुपये। 20 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, पैसे मिल रहे हैं उसमें 150 रुपये, 160 रुपये, 180 रुपये कमीशन काट के। तो बहुत बुरा हाल है, इससे ज़्यादा बुरा हाल क्या होगा। अब तो भैया गर्मी आ गई है, हर राइड में AC चाहिए, क्योंकि मेरे पे लिख के आ रहा है ना। और किसी का फ़ोन भी आता है, भैया चाहे वो ऊबर में हो चाहे ओला में हो, AC है ना गाड़ी में, AC चलाओगे ना। मैंने कहा हाँ भैया नहीं, AC नहीं है भैया मेरी गाड़ी में, मैं तो कैंसिल ही, मतलब वो ट्रिप को ही अपने आप ही बंदे कैंसिल करते। मैंने भाई बिना AC चलूँगा गाड़ी में, AC है ही नहीं गाड़ी में। कहते यार AC भी नहीं है तो फिर भैया आप जा नहीं पाएंगे।
हंसी भी आती है कभी कभी, पर कोई इशू नहीं गाइस। देखते हैं यहाँ से कहाँ की बस्ती है पिकअप, नहीं बस्ती है तो फिर चलते हैं कहीं दूसरी जगह खाली खाली। तो गाइस बात करो ना, आनंद विहार से या गाजियाबाद, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कहीं से भी आप दिल्ली से एंटर करेंगे शंकर विहार होते हुए, महिपालपुर से गुड़गांव जाएंगे आप, तो आपको जाम तो काफ़ी मिलेगा मिलेगा। देखिए काफ़ी आज जाम है, और जाम इतना है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक्चुअली इस ट्रिप में जो है पैसे तो अच्छे मिल रहे पर जाम बहुत भयंकर है। तो गाइस इसके बाद गाइस ये है अंडरपास, राही चौक के बाद आप जब सोना के लिए निकलेंगे तो ये आपको अंडरपास पड़ेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग शोहना एक्सप्रेसवे। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा अच्छी तरीके से बना है ये। उसके बाद गाइस हम आ गए सेक्टर 49। एक्चुअली क्या बताऊँ, गुड़गांव में हल्की फुल्की भी कहीं बारिश हो ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, वैसे बारिश का पानी नहीं, गटर का पानी है। तो गाइस फिलहाल में हम आ गए DAV स्कूल। तो गाइस बात करूँ ना, मुझे करीबन लग गए 3 घंटे आनंद विहार से, ये ऑफलाइन की पिकअप लाया था मैं, और करीबन मुझे 3 घंटे लग गए स्कूल आने में। DAV स्कूल है, DAV स्कूल, और इसके सामने यदि नाइक कोई अपार्टमेंट है। DAV स्कूल लाया था और वहाँ छोड़ा हूँ, पैसे मिले इसमें मुझे 1400 रुपये जो मुझे बचे हैं, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। और भाई आने में 3 घंटे भी लग गए, दिमाग भी ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना जाम जो था ना बिल्कुल पेल के जाम था। तो भाई पैसे वसूल हो गए अपने, और एक राइड में अगर इतना पैसा मिल जाए, एक ट्रिप में इतना पैसा मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ये किसी में ना ओला में थी, ना उबर में, ना इनड्राइव में, ना रैपिडो में, किसी कंपनी में नहीं थी, ऐसी आम बिहार से ऑफलाइन की पिकअप लाया था। और इसमें जो पैसे मिले वो 1400 रुपये मिल गए, जो मेरी बचत बचत है बता देता हूँ। अब गाइस देखते हैं यहाँ से पहले चलते हैं जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, और देखते हैं यहाँ से कहाँ की पिकअप मिलती है, और फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। एक्चुअली आने में ना मत पूछो आप, इतनी गर्मी लग रही थी और प्लस में ट्रैफिक भी था। और एक सोचने समझने वाली बात है, आपने देखा होगा, मैंने कुछ जो आने की वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि एक गाड़ी कमर्शियल ठुकी हुई थी, खासकर कोई टैक्सी वाला था। एक्चुअली हुआ क्या था, उसकी जो टैक्सी थी ना वो पीछे से ले आके जो है मर्सिडीज में मार दिया। अब गाइस सोचने समझने वाली बात है, जो डिजायर, जो नई डिजायर अभी इस समय आ रही है, वो डिजायर के जो आगे गए ना लाइट वाइट और जो बम्पर बम्पर है सब ताम झाम अलग हो गया, और जो मर्सिडीज था ना उसमें एक स्क्रेच तक नहीं आया। अब सुन के आप सोच रहे होंगे भाई क्या चीज़ है। तो इसीलिए गाइस जो मारुति गाड़ियां हैं ना सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से बढ़िया नहीं है, और वैसे अगर देखा है ना तो लो मेंटेनेंस की वजह से लोग लेते हैं इसको, सेफ्टी पर्पज़ की वजह से ये इसको 5 स्टार कभी नहीं मिला। तो गाइस फिलहाल में मैंने देखा वो भाई काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहा था। एक्चुअली मेरे गाड़ी में ना ऑलरेडी सवारी थी, इसलिए जो है मैं गाड़ी वहाँ रुका नहीं। एक्चुअली होता क्या है, आप पहले जिस काम करने जा रहे हो उस काम को करें, या आप खाली गाड़ी हो तो हम सोचते हैं उसकी हेल्प करने की, पर एक्चुअली गाइस मेरा मतलब ही नहीं बन रहा था, क्योंकि एक्चुअली जिन लोगों को ड्रॉप करना था उनको गाड़ी में बिठा रखा था, तो इस चक्कर में मैं गाड़ी से निकला नहीं बाहर। तो गाइस एक्चुअली रोड पे जब चल कहते हैं ना, रोड पे गाड़ी चला के पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और ये चीज़ें होती रहती है। तो गाइस अब क्या बताएं, कुछ भाई ने कहा कि भाई नई गाड़ी ले लूँ, तो मेरे भाई अगर फील्ड में आप नहीं उतरे हो तो नई गाड़ी मत लेना। देखो भाई किसी की वीडियो देख कर, किसी से बात कर कर, किसी से होकर कर ज़्यादा इमोशनल मत हो। हम कहते हैं दावे के साथ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीना गाड़ी चला लो, आप किसी की भी गाड़ी चला लो, फिर लेना नई गाड़ी, फिर सोचना नई गाड़ी, फिर आपके समझ में आया कि मैंने गलत कहा या सही कहा। पुरानी गाड़ी जब लेना जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो फिलहाल में गाइस कुछ लोगों के कमेंट आए थे तो रिप्लाई तो मैंने उनको कर दिया, और कुछ भाई के भी आए थे, तो भाई आपका भाई समय समय पर आप लोगों को ज़रूर अपडेट देता रहूँगा, जो कोई भी कमेंट्स करता है उसका रिप्लाई मैं ज़रूर कर रहा हूँ, और थोड़ा टाइम लगा रिप्लाई करने में पर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली काम भी करना है और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है हम लोगों को। तो गाइस चलते हैं यहाँ से पहले जोहर की नमाज़ अदा करने, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है।
और बता दूं एक बजने वाले हैं, कितना टाइम लग गया यार, 10, 11, 12, 1 यानी कि 10:30, 11:30, 12:30 भाई साहब 3 घंटे कुछ मिनट हो गए इस ट्रिप में। कोई इशू नहीं गाइस, पैसे भी अच्छे मिले मेरे को, कोई बुरा नहीं है। और बता दूं आपको मेरी CNG सिर्फ 1 पॉइंट ख़त्म हुई है, यानी आने आने में मेरी सिर्फ 200 रुपये CNG लगी है बस गाइस। तो चलते हैं यहाँ से, कुछ ना सही तो कुछ तो मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से अगर ट्रिप ऑन करते हैं पहले तो चलते हैं गाइस जोहर की नमाज़ अदा करने के लिए, उसके बाद में फिर आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइस एक्चुअली मैंने जो है ना सराय काले खाकर CNG पंप पे हूँ, और मुझे ना ऑफलाइन की पिकअप मिल गई थी, तो मैंने इसीलिए जो है यहाँ सोचा CNG डलवा लूँ, वैसे प्रेशर यहाँ 200 से ऊपर होता है। तो गाइस एक्चुअली अभी आप लोगों ने सबसे पहले देख लिया होगा, सराय काले खां में मैंने ड्रॉप किया था और वहीं से CNG डलवाई, और CNG वाले ने एक्चुअली लफड़ा ये किया कि मेरी गाड़ी में ना CNG ज़्यादा आती है, एक्चुअली 8 किलो 900 ग्राम, कभी 9 किलो आती है, कभी 8.5 किलो आती है। तो वो मुझसे पूछने लगा भाई कितने किलो का सिलेंडर है इसमें, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, बोला भाई गाड़ी किसकी है, मैंने कहा गाड़ी मेरी है, तो तुझे पता क्यों नहीं भाई, मैंने कहा भाई क्या तरीका है, बस ऐसा है गाड़ी के आगे लिखी पड़ी है CNG की टेस्टिंग को, जो रिपोर्ट वो कार्ड है ना वो बना पड़ा है उसको चेक कर ले भाई, 14 किलो का सिलेंडर है उसको, पता नहीं 12 किलो का सिलेंडर है कि 14 किलो का सिलेंडर है, एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं खामा खा नहीं बोलूँगा। तो वो पढ़ने लगा, बोला भाई इसमें तो 14 किलो का सिलेंडर लगा पड़ा है, तो तेरी गाड़ी में 9 किलो CNG कैसे आ रही है, इसका मतलब CNG का जो सिलेंडर है वो बड़ा है भाई। मैंने कहा भाई बड़ा है छोटा है मुझे उससे मतलब नहीं है, आप CNG आप डाल दो बात खत्म। कह रहा भाई मैं CNG अभी तो डाल दिया, अगली बार नहीं डालूंगा। मैंने क्यों, इसकी क्या डेट एक्सपायर हो गई है तो नहीं डालोगे? तो कहने लगा मेरे से कि मैं अगली बार नहीं डालूंगा। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं तू मत डालियो अगली बार, तू अभी तो डाल दे कम से कम। तो मैंने डलवा लिया, मैंने कहा भाई अगली बार भी डलवा के जाऊँगा तेरे यहाँ से, सराय काले का है ना, यहाँ डलवा के जाऊँगा, चाहे तू नंबर ले ले 2593 गाड़ी नंबर फेमस है गाड़ी हर CNG पंप पे। तो कहने लगा भाई मेरे से उज्जत मत कर, अभी ट्रैफिक पुलिस वाले को बुला के और तेरी गाड़ी बंद करवा दूंगा मैं, तेरे गाड़ में दम है ना, तू ये मेरी गाड़ी यहीं खड़ी है, तो बस मेरी गाड़ी यहीं खड़ी है तू बंद करवा दे मेरी गाड़ी। तो दूसरा जो है उसका जो स्टाफ था दूसरा वो आ गया, क्या भैया क्या हो गया? मैंने कहा ये इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, ये मेरी गाड़ी बंद करवाएगा, ये कहा टेस्टिंग की रिपोर्ट चाहिए। मैं भाई टेस्टिंग की रिपोर्ट आगे लगी पड़ी, ये देख चेक कर ले, बस CNG साले सिलेंडर 10 किलो का हो या 50 किलो का हो तुझे उससे क्या मतलब है, तो CNG डाल इसके अंदर, बात खत्म हो गई, छुट्टी यहाँ से। तो उसने समझाया भाई, उसने बोला ये तुझसे क्या मतलब है, CNG का टेस्टिंग की रिपोर्ट है उसके पास, उसका एक्सपायर हो गया तो मत डालो, एक्सपायर नहीं है तो डाल दो भाई। मैंने कहा भाई अभी तो करवाइए टेस्टिंग इसकी, अभी तो पूरा साल पड़ा 3 साल। तो फिर कहने लग गया दूसरा वाला, बोला भैया आप जाओ जाओ। मैंने कहा समझाओ इसको भाई, इसको अपने काम से मतलब रखो, CNG कितनी आ रही नहीं आ रही क्या मतलब मैटर बनता है, एक्चुअली ये जो है ना मेरी गाड़ी में CNG ज़्यादा आती है ना, तो बहुत से जो है ना चेक करते हैं भाई सिलेंडर कितने केजी का है, अनोखी गाड़ी है। बोला भाई 5 साल तो हमें हो गए डाल डालते। मैंने कहा भाई मुझे 8 साल हो गए दरवाजे डलवाते। तो 2-3 CNG पंप पे मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो फिलहाल गाइस इसको करते हैं बंद, अब करते हैं अपने काम के बारे में बात। तो गाइस गुड़गांव से लाया था, एक्चुअली गुड़गांव में 3 घंटे जो है ना मेरे लग गए, किस चीज़ में लगे वो भी बताता मैं आपको। 3 घंटे मेरे लग गए, आधा घंटा तो मेरे लगे नमाज वगैरह अदा करने में, 2 घंटे लग गए टायर डलवाने में, मैं नया टायर डलवाया इस समय। आपको सारी बात बताऊँगा तसली पूर्वक। देखो लास्ट टाइम जो टायर डलवाया था मैंने स्टार्टिंग में जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी, तो उससे मैं डलवाया था जेके का टायर डलवाया था 3 कई साल पहले, इस बात को 5 साल हो गया या 4 साल हो गया मुझे नहीं पता, ठीक है कन्फर्म नहीं बताऊँगा क्योंकि झूठ मैं आपसे बोल नहीं सकता। लास्ट टाइम 3 टायर डलवाए थे मैंने और वो भी डलवाए थे जेके के। उसके बाद गाइस इस गाड़ी में मैंने कभी जापानीज टायर, कभी चाइना टायर, कभी ये टायर, कभी वो टायर, कभी रोकी वाले का टायर, कभी लक्ष्मी वाले का टायर, ये डलवा के काम चलाया मैंने, और मुझे कभी कोई दिक्कत नुकसान हुआ नहीं। पर मैंने जो है ना पता नहीं मन में क्या ऐसा अब आया कि भाई क्यों ना इस मरतबा कंपनी का टायर लगवा जाए। एक्चुअली कंपनी का टायर महंगा तो है, कॉस्टिंग महंगा है, पर 2 टायर मैंने डलवाए हैं 5,800 रुपये लगे मेरे,
सीएट के टायर लगवाने में, ठीक है, 145/80/13। और इसी में ना, इसी पैसे में मेरा चार टायर आए थे, जो चाइनीज टाइप में टायर आते हैं ना, उसमें चार टायर आए थे मेरे इसी टाइप में। तो गाइस मैंने जो है इस मरतबा जो है चेंज किया, मैंने कहा यार कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि भाई 4-5 साल से ना ये टायर डलवा के, 1 साल चलती है ख़त्म, 1 साल मेरी गाड़ी टायर चलते हैं ख़त्म। अब देखते हैं गाइस ये टायर जो है मैंने कंपनी का लिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है गाड़ी। देखो फ़र्क तो पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा, एवरेज पे फ़र्क पड़ेगा, सस्पेंशन में फ़र्क पड़ेगा, और गाड़ी की बैलेंसिंग पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस टायर का जो टायर के बैलेंसिंग है ना, दोनों टायर बिल्कुल सेम है, और दो टायर अभी और डलवाऊँगा। एक्चुअली सोच रहा हूँ ईद के बाद डलवाऊँ दो टायर और, तो चार टायर डल जाएंगे, स्टेपनी के लिए एक रख लूँगा। तो चार टायर कंपनी जब डल जाएंगे ना, तो गाड़ी बिल्कुल हो जाएगी झमाझम और बिल्कुल स्मूथ में गाड़ी चलेगी, क्योंकि 80 के 100 के स्पीड के बाद ना गाड़ी भागने में ना मज़ा नहीं आती थी। और इस टायर में जो है ना, अभी मैं क्या बताऊँ आपसे, दो टायर लगाया हूँ, इतना गजब लग रहा है आगे का सस्पेंशन है। पहले जो है ना 80 पे गाड़ी जो है ना मेरी थोड़ी हल्की फुल्की जो है ना बैलेंसिंग हो जाती थी, क्योंकि यार चाइनीज टायर था, जापानीज टायर मान लीजिए वो टायर था, जिसकी वजह से जो है गाड़ी का बैलेंसिंग सही नहीं हो रहा, क्योंकि इस तरफ के टायर ज़्यादा खत्म हो गए थे, इस टायर पे टायर कम खत्म हो गए थे, तो वो बैलेंसिंग खराब, मतलब बैलेंसिंग बन नहीं पा रही थी उसको लेकर। अब उन दोनों टायरों गाइस मैंने पीछे कर दिया है, जो आगे टायर थे, अब जो नए टायर है उसको मैंने आगे लगा दिया, इनकी बैलेंसिंग भी हो गई थी। तो फिलहाल मैं गाइस दो टायर लगवाया हूँ 5,800 रुपये का, और इसकी गारंटी भी मिली है, फुल 3 साल की रिप्लेसमेंट मिली है, और रिप्लेसमेंट भी ऐसी है। एक्चुअली जेके का भी टायर मिल रहा था, जेके 2600 रुपये का मिल रहा था, पर मैंने वो डलवाया नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ताम झाम भी था, जेके का टायर मुझे पसंद भी नहीं है। अब क्योंकि जब इंसान का ना दिल एक कंपनी से जो है ना उब जाए ना, तो फिर मज़ा नहीं आता उस कंपनी में, तो मैंने जेके का डलवाया नहीं। उसका 2600 रुपये का था, उसकी भी सेम थी गारंटी वगैरह। इसकी चेंजिंग की बोला है 50% जो है आप माल होगा तब मैं जो है रिप्लेसमेंट करूँगा, या अभी आपका 10-15 दिन में ये अगर ख़राब होता है तो चेंज करके आपको नया ही मिलेगा। वैसे खैर फटने कटने की जो है फुल रिप्लेसमेंट है, 50% माल होगा तो वैसे 3 साल तक तो है ही। तो गाइस मैंने इस ये कुछ देखकर ले लिया, अपोलो का भी चॉइस कर रहा था, पर मैंने अपोलो का नहीं लिया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने छोड़ दिया अपोलो, अपोलो जो हाल फिलहाल मिल रहा है उसी को लेते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। तो गाइस फिलहाल में जो है दो टायर डलवा के गुड़गांव से निकला था ऑफलाइन की पिकअप लेकर, सराय काले खां में ला के छोड़ा मैंने, 500 रुपये मिले, एक्चुअली 500 ये और 1400 1900 रुपये काम हो गए गाइस। 1900 रुपये बता दूँ सीएनजी कितने की आई है, सीएनजी आई है 617 रुपये की, 617 रुपये की सीएनजी आई है। तो कितने बच गए मेरे पास, 1900 माइनस में 600, गाइस 1300 रुपये बच गए, 10-20 का मैं इतना गौर नहीं करता, 1300 रुपये मेरे को आज बच गए। तो गाइस टाइम बता दूँ, अभी टाइम जो है 1-2-3 घंटे वो लगे थे मेरे को, और 2 घंटे लगे, 5 घंटे में मेरा ये काम हुआ है, 5 घंटे में मेरा ये मुझे इतने पैसे बच गए, सीएनजी मेरी गाड़ी में फुल लगी। अब सीधा जो है घर जा रहा हूँ, असर की नमाज़ पढ़ूँगा और फिर अफ्तारी वगैरह की जो है वो करूँगा। और दो भाइयों कमेंट आ चुके हैं मेरे पास, 2-3 भाइयों के, कि भाई जो है मुझे जो है नई गाड़ी लेनी है तो क्या करूं। मैंने उनसे बता दिया है कि भाई अगर आप इस फील्ड में आपने काम किया है तो ही आप नई गाड़ी ले, अन्यथा आप नई क्या पुरानी गाड़ी भी मत ले, पहले आप इस फील्ड में आए, 2-3 महीना किसी गाड़ी चलाएं, उसके बाद जो है आप जो है गाड़ी लें, ठीक है गाइस। ये तो हो गया उस भाई का। दूसरा है, एक भाई ने कहा है कि भाई स्विफ्ट गाड़ी है मेरी और उसमें सीएनजी का जो है ना एवरेज कम मिल रहा है। तो भाई देखो 2-3 चीज़ें होती है सीएनजी का एवरेज कम मिल रहा है। सबसे पहले आगे का टायर देखो, वो क्या कहते हैं बिल्कुल चिपक के तो नहीं चल रही है, जो तवा होता है ना जिसमें ब्रेक लगता है वो तवा से चिपक के तो नहीं चल रही है। दूसरा देखो कि सीएनजी और पेट्रोल का जो आरपीएम होता है वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा, एक्चुअली आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप सीएनजी और सीएनजी पंप वाले के पास जाना, सीएनजी वाले के पास जाना, जो सीएनजी का मैकेनिक है उसके पास जाना,
और वहाँ जाने के बाद जो है आप उनसे बोलना कि मेरा जो है ना सीएनजी का जो है ना एवरेज जो है ना बिल्कुल कम मिल रहा है, तो वो जो है आपसे 200 रुपये लेगा या 300 रुपये लेगा, ठीक है गाइस। तो वो स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग करने के बाद जो है आपको जो है बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है गाइस। और एक भाई कमेंट और आया था, क्या नाम है उस भाई का, नाम है खैर मुझे किसी का पता नहीं है, कि भाई आप जो है 12 घंटे काम क्यों नहीं करते हो। देखो भाई मैं 12 घंटे काम क्यों नहीं करता हूँ, रीज़न बताता हूँ। 12 घंटे काम मैं क्यों करूँ, जो काम मेरा 4-5 घंटे में हो जाता है, मैंने अभी 1900 रुपये काम कर लिया, ठीक है। सीएनजी मेरी कल की जो पड़ी हुई थी उसी सीएनजी मैंने काम किया, ठीक है। ये सीएनजी फुल है मेरी गाड़ी में, अब मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। 8-8.5 किलो जो सीएनजी है इसमें रखी पड़ी है, फुल है मेरी। अब उसी सीएनजी में मैंने काम किया जो मैंने कल डलवाया था, शायद कल डलवाया था मैंने, हाँ जो सर जो मैंने नई दिल्ली में कल डलवाया था सीएनजी, ठीक है। तो उसी सीएनजी में मैंने कल भी काम किया था, उसी सीएनजी में मैंने आज भी काम किया, तो इतना मेरा काम हो गया। 1900 रुपये में से मेरे अगर मैं 600 रुपये सीएनजी के निकाल देता हूँ तब भी मेरे 1300 रुपये बच गए, जो मेरे 4-5-6 घंटे में बच रहे हैं, तो मुझे 12 घंटे काम करने की क्या जरूरत है, वो भी एसी चला के हैं। आप प्लस में मैं बता दूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, मेरे रोज़े हैं और मुझे सबसे पहले रोज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तो भाई इसीलिए मैं जो है 12 घंटे काम नहीं करता हूँ। हाँ इंशाल्लाह ईद के बाद 12 घंटे क्या 14 घंटे क्या 16 घंटे काम करके दिखाऊंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है। तो गाइस एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो गया है और अब चलते हैं। वैसे मार्केट का रेट तो बहुत बुरा, मार्केट में जो रेट है ना बहुत बेकार हो गया है भाई। आर्टिका जा रही है 212 रुपये में, कहाँ जा रही है पता आपको, एयरपोर्ट गुड़गांव से अपने बस की नहीं भाई, ओला में। और क्या कहते हैं 125 रुपये में, 125 रुपये में ये अपना इन ड्राइव कहाँ जा रही है, T1 पब्लिक, और ड्राइवर जा भी रहे, कह रहे भाई यहाँ से खाली जाने से बेहतर कुछ तो मिलेगा, 100 रुपया टोल है वो कस्टमर पे कर देगा, हमें कम से कम 125 तो मिलेंगे। मैंने कहा ये कम वक्त हो यार, क्या करोगे ज़िंदगी में यार, 125 रुपये कोई ड्यूटी है ये सारा, एक काम करो यार रोड पे लो कटोरा भीख मांग लो, क्या नौबत आ गई तुम लोगों की यार, 125-25 रुपये ड्यूटी। और मैं बोलता हूँ ना, कहते भाई अगर ये ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर ड्यूटी नहीं देगी कंपनी, अरे यार क्या बोलूँ मैं तुम लोगों से, बोलना नहीं चाह रहा हूँ भाई। ये देख देख के ना कभी कभी अपने आप को ना बहुत खुश हूँ मैं कि मैं नॉन एसी गाड़ी, नॉन गाड़ी में कोई एसी नहीं है कुछ नहीं है, फिर भी 5-7 घंटे में इतना काम कर लेता हूँ जो आप 12-14 घंटे 16 घंटे में करते हैं। अब बताओ सोचने वाली बात है, 12-14 घंटे में आप जितना काम करते हो ना, मैं 5-7 घंटे में काम करके चला जाता हूँ, और बताओ। तो भाई यही है, आपसे मैं यही बहुत गुजारिश करूँगा, 200 से नीचे की राइड मत लो, ये मैं इसीलिए बोलता हूँ ताकि इससे आपको कुछ सबक मिलेगा, कुछ सीख मिलेगी। मैं 200 से नीचे की राइड लेता ही नहीं हूँ, लो कर लो क्या करोगे, कंपनी वालों मुझे देती भी नहीं कंपनी। और बताओ, अभी मेरे पे मोबाइल नहीं है, मोबाइल आने दो फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जब मेरे पे मोबाइल आया ना मैं दिखाऊंगा फिर कंपनी मुझे 200 से नीचे राइड देती है कि नहीं देती है। देखो सबसे ज़्यादा मैं चलाता हूँ रैपिडो, क्योंकि कमीशन नहीं है उसमें, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा रैपिडो चलाता हूँ। उसके बाद गाइस इन ड्राइव का नंबर आता है, उसके बाद आता है ओला का नंबर, ओला लास्ट में, चोर कंपनी हो गई सबसे ज़्यादा। इन ड्राइव में क्या होता है एक्चुअली कि इन ड्राइव में राइड कैंसिल करवा देता हूँ कस्टमर से, उसी को लेकर चलता हूँ भाई, कैंसिल करा के इधर उधर से कर कुर के अपना 2000 काम कर लो, बचत बचत 2000 आ गई, बाहर बजा दुनियादारी, चलो अपने घर। वैसे भी साला कस्टमर एसी मांगता, कहता भैया एसी है। मैं सालों का घर में कूलर नहीं होगा, कस्टमर जो बुक करते हैं एसी के लिए, एसी मांगे गाड़ी में जैसे इनकी बाप की गाड़ी हो। मैं क्या 125 रुपये का इन ड्राइव में, मैं तो देख के होपलेस हो गया, मैंने कहा यार क्या करेगा तू ज़िंदगी में, तुमने डिजायर गाड़ी ले रखी है और क्या कहते हैं तू 125 में एयरपोर्ट जा रहा है, कह रहा भैया क्या करूँ यार सुबह से यहीं खड़ा हूँ और फंस गया था गुड़गांव के, तो मैंने 125 रुपये लगा, एक काम करे जरा महिपालपुर की सवारी भर ले भाई, जाओ वहाँ से इफ्को चौक चले जाइए, वहाँ से भर लियो 33 रुपये की, अरे हीरो होंडा पहुँच जाओ वहाँ से 50-50 रुपये देंगे महिपालपुर की सवारी के, 250 ऐसे बन जाएंगे, 5 सवारी बिठाएगा तू, जा
क्या हो गया यार मेरे भाइयों, क्या हो गया, क्या हो गया है? 10 लाख की गाड़ी लेकर रोड पे आप दौड़ रहे हो, इसीलिए दौड़ रहे हो क्या? 125 रुपए की, 150 की, 130 रुपए की ड्यूटी लेने के लिए? अरे शर्म करो यार, शर्म करो। ये तो हम तुम जैसे भाई जो है ना, जिन्होंने पूरी ऐसी तैसी करवा रखी है इस क्या कहते हैं टैक्सी लाइन में, जो बिल्कुल घिस गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनके घर में बस कुछ है ही नहीं, बस जो मिल रहा है ले लो। क्या बोलूँ मैं यार, हंसी भी आती है, फुंदक भी आती है। उसको मैं देखता रहा, क्या बोलूँ, उसके बाद कुछ बोल ही नहीं जाता। वो कल की बात है, कल वो बेचारा 116 रुपये में जा रहा था, वो क्या कहते हैं अपना आटिका लेकर, वहाँ क्या कहते हैं 8 किलोमीटर पता नहीं ड्रॉप था उसका 116 रुपये में। अब बताओ आटिका, वो भी मुझसे ये कह रहा भाई क्या बचाऊँगा इस, ओ भाई कम से कम कंपनी जो है ड्यूटी देगी बैक टू बैक। मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलना ही नहीं चाह रहा तुम लोगों से ज़्यादा। तो गाइस फिलहाल में इस वीडियो करते हैं एंड, आज की कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। एक्चुअली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई देखो कमाई जिस तरह से होती है उस तरह से करो, ठीक है? आप जो इस तरह से आप कमाओगे 125 रुपये की, 100 रुपये की, 80 रुपये की, 90 रुपये की, 100 रुपये की ड्यूटी ले लेके अपनी 2-4 किलोमीटर पिकअप करने जाओ, उसके बाद AC चलाओ, कस्टमर के नखरे झेलो, तो भाई ये सूट लेवल नहीं है। तो गाइज करते इस वीडियो का यही एंड, और जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने इस वीडियो को तहे दिल से देखा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और मिलते हैं कल अच्छे से एक नए वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।